एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। काफी दिनों के बाद मैं फिर से कम बैक कर रही हूँ। बीच बीच में आलस आ जाता है ब्लॉगिंग के चक्कर में, और फिर बीच में याद आता है कि नहीं करना चाहिए, एक दो वीडियो तो जाना ही चाहिए। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, सामने रात हो गया है, शाम के 7:30 बज रहे। मैं किचन में हूँ, रात में खाने की तैयारी कर रही हूँ, और आज कुछ स्पेशल बन रहा है तो मैं सोची कि चलो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आज बन रहा है हमारे तरफ का झारखंड स्पेशल छिलका। छिलका रोटी हमारे यहाँ बोला जाता है, छिलका भी बोला जाता है। सिर्फ चावल से बनता है, बिना तेल बिना मसालों का। तो और ठंडा का मौसम आ गया है, ठंडा के मौसम में ये सब चीज़ें खूब बनती है। और साथ में नया आलू है, नया मटर है, तो आलू मटर का सब्जी और छिलका बन रहा है। आज सुनसु नीचे गए हैं खेलने के लिए, और पति देव यहीं पे हैं मेरे साथ, मेरे हम सफ़र हम सफ़र हैं, तो वो हर सफ़र में हम ही रहेंगे, मतलब साथ ही रहेंगे। तो इस टाइम ये किचन टाइम मी टाइम होता है, यही आधा घंटा होता है हम लोग का गप सप करने का, पूरे दिन भर का, एक दूसरे के ऊपर भड़ास निकालने का और साथ साथ में काम करने का। तो चलिए, चावल को मैंने सुबह भिगो दिया था पानी में अच्छे से साफ करके, इसको पीस के साइड में रख लेते हैं, फिर सब्जी बनाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि कैसा क्या बनता है, आशु अंशु का रिएक्शन क्या होता है। आशु तो बोल रही है मम्मा छिलका बना रहे हो तो चिकन के साथ बनाना, उस वो वाले दिन बोल रही थी कि चिकन बना रहे हो तो वो छिलका बना रहे हो तो चिकन क्यों नहीं बना रहे हो। नहीं, चिकन के साथ क्या होता है ना, आदमी चिकन खाए कि छिलका खाए ये हो जाता है। चिकन कम चाहिए पता है यहाँ पे क्या है, आशु बता रही थी कि स्कूल में बच्चे टिफिन में भी छिलका ला रहे हैं। यहाँ पे इतना ज्यादा फेमस है ना कि रोटी पराठा की जगह छिलका लेके जाते हैं, उनकी मम्मियों को भी इजी लगता है क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, बस चावल पीसना है और बनाना है, ना बेलने का झंझट और ना ही आटा गूंदने का झंझट। चिकन लाते थे, हाँ, चिकन और छिलका हम लोग जिसे हम बहुत खाते थे, चलो वो भी बना लेंगे। अभी तो सर्दी शुरू हुआ है, सर्दियों में तो खाना पीना वैसे ही ज्यादा हो जाता है, तो फिलहाल बनाते हैं छिलका। और थोड़ा सा मैंने वो ढक्कन डब्बा रोटी का भी चावल अलग से भिगोया है, थोड़ा ट्रिकी करके दो चावल मिक्स करके, तो वो मैं आज ट्राई करूंगी। तो उसके लिए थोड़ा चावल अलग दिया है और छिलका के लिए अलग दिया है। तो चलिए पीसते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ मैंने दोनों बैटर तैयार कर लिया, ये छिलका के लिए सिर्फ अरवा चावल का पीसा है मैंने, और ये खप्पर कोड़ो हमारे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ढक्कन डब्बा, ढक्कन डब्बा रोटी जो मिट्टी के बर्तन में बनता है, उसके लिए अरवा चावल और उसना चावल, यानी कि बॉइल्ड राइस और जिसको रॉ राइस बोलते हैं कच्चा चावल, ये दोनों को मिला के पीसा है। तो ये दोनों का बैटर अलग अलग बनता है। अब देखते हैं कि छिलका और ढक्कन डब्बा में से ज़्यादा अच्छा कौन बनता है और क्या। और यहाँ पे सब्जी की सब तैयारी कर दी है, मटर मैंने पहले ही छील लिया था और ये सब पतिदेव ने कर दिया है, प्याज लहसुन अदरक, और यहाँ पे आलू छिला रहा है। कुछ तो करें, आपका नाम कुछ रखना पड़ेगा, पतिदेव पतिदेव बोलना अच्छा नहीं लगता है, कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो करें। तो अब सब्जी बना लेती हूँ, उसके बाद फिर खपर कोड़ो के लिए गरम होने के लिए रख ही देते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगता है एक एक करके बनने में। हाँ, बना इधर बनते जाता ना, सब्जी भी बनते जाएगा और ये भी बनते जाएगा दोनों साइड में। हाँ, दूध दूध वाला तो पिछली बार बनाई थी ना, पिछली बार दोनों नहीं बनाई थी, दूध को अच्छे से बॉईल करके रबड़ी जैसा उसमें फिर पका के, और इसका जो बासी बच जाता है ना वो ना फ्राई करने पे भी बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे पापा को बहुत पसंद है। हाँ, इडली फ्राई जैसे बनता है या फिर पिट्ठा फ्राई बनता है उस टाइप का, उसमें पूरा मसाला लग जाता है ना, तो चटपटा बहुत अच्छा लगता है। और ये नया आलू है, नया आलू हमारे तरफ ना 60 रुपया किलो हो रहा है, अभी आपके साइड कितना हो रहा है बताइएगा। मटर 30 रुपया पाव, ये एक पाव मटर है 30 रुपया का, जिसमें आंसू थोड़ा खा गई है, मैं छिलते जा रही हूँ वो खाते जा रही है। तेल गरम हो गया है, अब डालूंगी थोड़े से खड़े गरम मसाले, उसके बाद डालूंगी थोड़ी सी हींग, उसके बाद डालूंगी प्याज, प्याज भून रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मसाला तैयार करी जिसमें काली मिर्च, जीरा, लहसुन अदरक, हरी मिर्ची, इसको पीसूंगी और फिर इस मसाले में ऐड करूंगी, फिर टमाटर डालूंगी, फिर आलू मटर, तो एकदम तीखा चटपटा वाला सब्जी इसके साथ टेस्टी लगता है। मसाला पीस रही हूँ, जल्दी बनाओ भाई, छिलका देख के भूख ज्यादा लग जाता है। छिलका तो मोस्ट फेवरेट, बाप रे बाप, छिलका पूरा दुनिया एक तरफ और छिलका मुर्गा एक तरफ है। हाँ। नहीं, आलू की सब्जी, अभी नया आलू का सब्जी टेस्टी लगता है। किचन गंदा हो गया, दिवाली सब कहते हैं, सब कहते गंदा हो गया।
मसाले डाल के मसाले को अच्छे से भूनूंगी, उसके बाद फिर टमाटर मटर ऐड करूंगी। यहाँ पे अश्विन स्वामी कहाँ भागा, खेल के आ गए इन लोग को, 8 बजे तक का टाइम दिया गया था। और ये मेरी भुटकू, इसका नया नाम रखा है मैंने भुटकू। मिंगू मटक इसका मतलब क्या होता है? क्या खेली आशु आज? आज हम लोग फिट्टो खेला। और अनु ने, चार लोगों ने शुरू किया था पिट्टो। अच्छा, उसके बाद अभी ये गेम ही बंद। एक तो हुआ ना अम्मा का पसीना, देखो सर्दियों में भी पसीने निकल। तो ये हमारा आलू यहाँ अच्छे से फ्राई हो गया है, आलू मटर टमाटर सब। पानी डालूंगी और इधर मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया, थोड़ा अच्छे से गर्म करना पड़ता है। और फिर इधर बनता रहेगा ढक्कन डब्बा और इधर बनता रहेगा सब्जी। सब्जी जब बन जाएगा तो एक साइड में छिलका बनाऊंगी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो इसको जब तक सब्जी तैयार हो जाएगा तो फिर एक साइड छिलका और एक साइड ये ढक्कन डब्बा दोनों बनता रहेगा। देखो कितना सुंदर सुंदर छिलका बन रहा है। छिलका जाली वाला बना, सॉफ्ट एकदम जालीदार, नरम, देखो कितना अच्छा है, पूरा जाली वाला बना है। और सब्जी का क्या स्थिति है भाई? सब्जी मतलब स्थिति का क्या है? सुंदर बना है, मतलब टेस्टी बना है। आज तो मजा आ गया, पावरी हो गया, पावरी पार्टी या। मुंह में पानी आने लगा, चलिए बैठिए। मुंह में पानी आ ही जाएगा देख करके। मेरी मौसी बहुत अच्छा बनाती थी, मेरी छोटी फुआ, उनके हाथ का जादू था समझो, तो इतना नहीं करना पड़ता था, फटाफट दुनिया से बिहार के लाल। लेकिन खाए नहीं है मौसी के हाथ से। हां नहीं खाए, बहुत खाए, बहुत अच्छा बनाती थी वो। अभी ये मेरा नया नया है, ये हमने अपने लाइफ में दूसरी बार बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम बनाए थे उस टाइम और ये दूसरी बार। थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए होता है ये सब चीज में, बट अच्छा बन रहा है। सेकंड टाइम में इतना भी बुरा नहीं बन रहा है। ये देखो छिलका कैसे बनता है, ऐसे अपने आप निकलना चाहिए हाथ से। गुड, वेरी गुड। अब आज सर्टिफिकेट मिल रहा है भाई। शादी के अब ये सब चीज बनाओगे तभी ना मिलेगा। इतने सालों से खिला रहे, लग रहा है जैसे कि कभी खाए नहीं। रांची में पहली बार बन रहा है ना? रांची में पहली बार। रांची आए मुझे कितना हो गया? कितना महीना हो गया? 6-7 महीने हो गया। 6 मंथ हो गया। 6 मंथ में पहली बार बन रहा है। हाँ नहीं, 6-6 महीने में खाना चाहिए तभी इतना पानी टपकता है। हर महीने खिलाने लग गए तब नहीं पानी टपके। 3 महीना में 2 बार कम से बनना चाहिए। कुछ कम नहीं हो गया? ज्यादा बढ़ा दो तो हफ्ते में एक दिन। आशुंसु देखना अभी उन लोग के मुंह में देखना। हमारे यहाँ सब खाने के फैन है, ये सब कोई भी खाना के फैन है। क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है? वे लोग के रूटीन सेट कर रहा होगा, बिजी। चलो आने देते हैं। आशुंसु खाना के लिए बैठ गए हैं। ये आशु का अंशु से तो रहा ही नहीं गया, खुद से सर्व करके खुद से लेके आ गया। टेस्ट करके बताओ फटाफट कैसा बना है। ढक्कन डब्बा नहीं लोगे तुम लोग? थोड़ा थोड़ा वो भी लो। क्या ना, ढक्कन डब्बा मैंने कभी बनाया नहीं, तो आशुंशु भी बचपन से खाए नहीं है, तो वो ट्राई नहीं कर रहे। थोड़ा सा ट्राई करो ना, अच्छा लगेगा वो भी। ये बहुत मस्त है। और छिलका बचपन से खाते आए, बचपन से तो वो खा रहे। ढक्कन डब्बा नहीं खा रहा ये लोग। अनमन खा लो बेटा, खाओगे तो पता चलेगा। हाफ हाफ खा लो। खाया मैंने, टेस्ट किया, पता है उसमें सिर्फ चावल चावल का टेस्ट। ये भी तो चावल ही बेटा, सेम बैटर से बनता है पूरा। वो करके खाओ, अजीब सा लगता है। लपेट लपेट के खाओ, सीखो खाने के लिए। हाँ ला रहे हैं पापा। सब्जी टेस्टी है ना, ज्यादा तीखा नहीं बनाया आपको? बहुत तीखा। रोटी से भी अच्छी लगेगी। हाँ तो सब्जी तो कॉमन है, एकदम छिलका पतला पतला सॉफ्ट सॉफ्ट बना है ना। आंसु कब सीख रहे ये बनाने के लिए? आंसु सीखेगा कल, आशु कल। ये देखो कितना गर्मा गर्म एकदम सॉफ्ट वाला है। आज वाला अच्छा बना है, आज मैंने सेकंड टाइम बनाया है तो कितना सॉफ्ट है। उसको एकदम डिप कर करके खाओ अच्छा से, तब लगेगा टेस्टी। गरम है, साइड वाला खाओ पहले। चलो एंजॉय करो, मैं बना रही हूँ। इस
इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ है ये सब, लेकिन बनता है तो फिर अच्छा लगता है। ये देखो कैसे निकल रहा है एकदम अपने आप ही। थोड़ा जाली पे रखना पड़ता है ताकि भाप से, ये अभी पकानी है इसको रख देते हैं। सबसे फेवरेट काम है ना खाना बनाने के बाद सबका फीडबैक लेना, मुझे बहुत पसंद आता है। उससे क्या होता है ना मुझे पता चलता है कि वाकई ये अच्छा बना है कि नहीं, मुझे नेक्स्ट टाइम क्या चेंज करना नहीं करना। तो तीसरा जज हमारे तैयार है टेस्ट करने के लिए। और बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी आशु देखो तीनों मस्त छिलका एकदम सॉफ्ट बना पतला पतला। और ये ढक्कन डब्बा वो वाला खाओ, ये गर्म है वो थोड़ा नॉर्थ वो सॉफ्ट है ये भी। है ना मस्त आशु अच्छा लगा ढक्कन डब्बा। हाँ ढक्कन डब्बा अच्छा है। अभी भी पानी टपक रहा है, खा ले भाई। तो यहाँ पे मैं ना बनाने के साथ साथ किचन की भी सफाई करती जाती हूँ, क्योंकि जब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनाओ तो किचन भी एक्स्ट्रा ही फैलता है यानी गंदा होता है। तो सबको खाना मैंने दे दिया है, अब बस मैं रह गई हूँ। लेकिन जब तक ये पूरा बना के कंप्लीट ना कर लूँ तो मैं कैसे खा सकती हूँ। तो ये छिलका बनने में टाइम लगता है, तो छिलका बनाते भी जा रही थी और साथ साथ में मैं किचन भी समेटती जा रही थी, क्योंकि जो चीज़ें फैलती है ना फिर उसको जगह पर रखने में टाइम लगता है। और किचन साफ़ करके हमें सोना ही होता है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है, सुबह स्कूल है ऑफिस है, तो उसके लिए किचन रेडी करना ज़रूरी है। तो मैं बस वही कर रही थी कि सारे सामान समेट रही थी और साथ ही साथ में किचन को साफ भी कर रही थी। तो इस तरह के व्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कि इस तरह के वीडियोज़ मैं आपके सामने लाऊं कि नहीं लाऊं कुकिंग वीडियोज़, क्योंकि हमारे किचन में रोज़ ही कुछ ना कुछ नया बनता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसी तरह के वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। बस मुझे इतना बताइएगा कि आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसी बीच में मेरा कॉल आ गया था तो वो चली गई थी मैं रिसीव करने के लिए। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़, थैंक्स अ लॉट।